हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला जर्नल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपने देखा था कि जब भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड आप लगा के रखते हो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें मेटल का डिपोजिशन होने लगता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जैसे कि आप लेके आते हो कोई भी नई नई चीज़, जैसे साइकिल लेके आ गया, साइकिल में क्या सब चीज़ें चमक रही है, बहुत अच्छे से चमक रही है, ठीक है। तो आपको वो दिख तो रही है कि वो क्या नाम है चमक रही है। अब कई सारे क्या नाम है विमेन जो है वो क्या नाम है जेवर वेवर खरीदती है, तो उसमें क्या होता है कि वो सोने के तो रहते नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि वो सोने के, ठीक है। विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, कैसे लगते हैं कि वो अपीयर होते हैं कि वो कैसे हैं गोल्ड के हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप उसको रिपीटेडली यूज जब करते रहोगे तो वो जो शाइनी पार्ट रहता है गोल्डन कलर का दिखता है वो क्या हो जाएगा, वो छूटने लगता है। क्या होता है, छूटने लगता है और उसके नीचे का जो मेटल है वो दिखाई देने लगता है। जैसे कि साइकिल में जो वो पुरानी होने लगती है उसका जो कोटिंग वो छूटने लगता है, वैसे जो नकली वाले क्या नाम है आते हैं ऑर्नामेंट्स, उसमें भी क्या होता है छूटने लगता है कलर, तो वो ओरिजिनल जो मेटल रहता है वो दिखने लगता है, अब ये सब होता क्या क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, अब ये कर कैसे रहे हैं। चलो एक एक्टिविटी देखते हैं क्या करें। हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 कहते हैं इसको, ठीक है। एंड टू कॉपर प्लेट, दो कॉपर प्लेट ले लिए, ठीक है, जिसका साइज इतना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 250 ml क्या लिया कि शुद्ध पानी ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर लेकिन शुद्ध पानी ले लिया, इन्हें क्लीन एंड ड्राई बीकर में ताकि उसमें क्या नाम है पानी गंदा ना हो जाए। अब उसमें क्या मिला दिया हमने, 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिला दिया। क्या मिला दिया 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिला दिया। और क्या गया, कुछ ड्रॉप किसके डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के। ये कैसा है, एसिड है, किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डाल दिया हमने, 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर, अब जो कॉपर प्लेट है उसको सैंड पेपर से क्या किया हमने, सैंड पेपर, जैसे हम क्या नाम है मेटल वेटल की चीज़ें जो डिपॉजिट होती है उसको छुटा दे, जैसे जंगूंग हो गया लगा रहता है, ठीक, तो उससे क्या कर रहे हैं हम साफ कर रहे हैं। अब क्या करो, उसको रिंस कर दो वाटर से और उसको ड्राई कर दो, यानी कि पानी से धो लो उसको, ड्राई कर दो। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अब कॉपर प्लेट को भाई बैटरी से लगा दो, ठीक है। इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब कॉपर, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डालो तुम, डाल दो, कौन सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हमने 2-3 बूंद क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, ठीक। ये तुम्हारे पास आया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर के क्या प्लेट लगा दी। अब देखोगे जैसे ही 15 मिनट तुमने क्या किया उसमें करंट पास किया, कि जो कॉपर के पास में जो सल्फेट सॉल्यूशन है, सल्फर है, वो कहाँ पे जाके चिपक रहा है, वो कॉपर पे चिपकेगा और जो क्या नाम है सल्फेट कॉपर रहेगा वो नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। अभी देखेंगे क्या है, When electricity passes through the copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, ठीक, और सल्फेट अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है। अब जो फ्री कॉपर होगा, जो कॉपर फ्री हो चुका है ये कॉपर, ठीक, तो क्या करेगा वो, जो इलेक्ट्रोड जिसमें नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, किसमें, जिसमें नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो बैटरी के, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां पे जाके डिपॉजिट होता है, नेगेटिव पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक। और जो ये सल्फेट रहेगा, सल्फर रहेगा, वो क्या करेगा, जो पॉजिटिव साइड है उस पे जाके क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, कि दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है कि जो कॉपर प्लेट में इक्वल जितना उस पे जाके चिपक रहा है उतना इसमें से क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है जितना। अब ये क्या कर रहा है, यहां से जब जैसे हमने 15 मिनट बिताए तो क्या हो गया, जो इसमें कॉपर था एक प्लेट में जाके जुड़ रहा है, ठीक। अब जितना कॉपर यहां जुड़ रहा है उतना ही कॉपर ये डिसॉल्व हो जा रहा है किसमें, इस सॉल्यूशन में, उतना ही कॉपर इसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, उतना ही कॉपर क्या हो रहा है इसमें, डिसॉल्व हो जा रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ना ये, इसमें क्या होगा कि कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, तो ये तो अब खाली बच जा रहा है ना सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये वाला जब कॉपर यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला जो कॉपर आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इसको बैलेंस करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रिस्टोर्ड बाई द प्रोसेस एंड कंटिन्यूज। तो इससे क्या होता है कि जो कॉपर लॉस होता है जो जाके दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है वो दूसरे एक प्लेट से जो एक प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है तो इस प्लेट क्या करेगा, इस प्लेट से कॉपर जाएगा सोल्यूशन में, कहाँ जाएगा सोल्यूशन में कॉपर जा रहा है। एक कॉपर कहाँ से जा रहा है, सोल्यूशन से जाके डिपॉजिट हो रहा है। एक से क्या हो रहा है कि सोल्यूशन से कॉपर डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन में गया, फिर ये वाला जो यहाँ पे था सोल्यूशन में वो एक प्लेट पे जाके जमा हो रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द, कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, कॉपर का ट्रांसफर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ट्रांसफर हो जा रहा है, कहाँ से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि किसी भी मेटल का दूसरे मेटल पे क्या हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि तुम्हारे कई सारे किचन के पार्ट में लगे होते हैं, ठीक है, किचन गैस के बर्नर में लगे होते हैं, साइकिल के हैंडल बार में लगे होते हैं, जो चक्के होते हैं उसके रिम में लगे होते हैं। एक क्रोमियम हैज ए, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड। क्रोमियम कैसा होता है, एक शाइनी अपीयरेंस होता है, वो करोड नहीं करता, यानी कि उसमें जंग नहीं लगता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, उसमें स्क्रैचेस भी नहीं लगते। क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रोमियम, क्रोमियम से एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत महंगा है, कहना है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा उस पर पेंट तो नहीं कर सकते ना क्रोमियम, तो हम क्या करेंगे कि उसकी एक प्लेट बना देंगे, एक क्या बनाएंगे, एक सिर्फ परत बना देंगे किसके ऊपर, दूसरे मेटल के ऊपर। जैसे ही हमारे पास क्या होती है, ज्वेलरी होती है, कई सारी ज्वेलरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, वो तो होती बहुत कम दाम की है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक शाइन आ जाता है किसका, गोल्ड और सिल्वर का। आपने क्या ना मार्केट में ऐसी चीजें देखी होंगी जब आप घूमने गए होंगे, ठीक है। अब ये ऑर्नामेंट कहते हैं, ये लगते तो हैं कि सिल्वर और गोल्ड के, लेकिन होते नहीं है, ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। कई सारी चीज़ों में ऐसे ही क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जैसे कि खाना रखने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। रखते तो लोहे के बर्तन, लेकिन उसके ऊपर क्या होती है, प्लेट लगी होती है किसकी, एक अलग ही मेटल की। आयरन क्या करते हैं, हम ब्रिज में लगाते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आयरन क्या होता है, आयरन में जंग लग जाती है, क्या होती है, आयरन में जंग लग जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस आयरन पे क्या हम डिपॉजिट करा देते हैं, जिंक, क्या करा देते हैं, जिंक। जिंक क्या करता है, इसको किससे बचाता है, कोरोजन से, यानी जंग से बचाता है, ये जंग नहीं लगने देता, ठीक है, कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो फैक्ट्री में काफी यूज होती है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जो यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है मेजर कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है, कहाँ से, जो जो क्या नाम है, कंपनीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रही हैं, जैसे ये कुछ है इसके ऊपर हमको प्लेट करना है, ठीक है, तो प्लेट तो कर देंगे, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होता है उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो वेस्ट होता है, तो उसको बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही सुरक्षित ढंग से हमको यूज़ करते हैं, ताकि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट चीज़ें ना हो, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट को खतरा हो, ठीक है। तो ये था वीडियो का लास्ट पार्ट, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।